सो वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं और अगर आप कभी भी टेंट में हो, टेंट में स्टे कर रहे हो और आपके साथ पूरा ग्रुप है या कुछ भी है, तो सुबह सुबह सबसे पहले ट्राई करा करो कि सबसे पहले आप वॉशरूम चले जाओ, बाकी नहीं तो फिर बाद में आपको ही दिक्कत होगी। क्योंकि मैं तो सुबह सुबह, मेरा तो हो गया काम, ये वॉशरूम है यहाँ पे। ओके, आई एम टोटली फ्रेश नाउ, अब मैं अपना काम शुरू करूँगा। उधर मेरे कैंप साइट है, थोड़ा सा इधर आना पड़ता है वॉशरूम के लिए और यहाँ पे ऊपर जाना पड़ता है। अभी वहाँ पे मेरा कैमरा केस वगैरह, ड्रोन वगैरह चार्जिंग पे लगा हुआ। अभी मेरे को अपनी सारे गैजेट्स चार्ज करने हैं और अपने थोड़ा बहुत अपना काम करना है। अभी सनराइज़ होने वाला है थोड़ी देर में, अभी तो पूरा का पूरा अंधेरा है, तो सनराइज़ भी रिकॉर्ड करना है। और नीचे ना थोड़े से ना रॉक्स है, अभी सुबह सुबह मैं उठ तो गया था फटाफट से, क्योंकि मेरी आदत है सुबह सुबह जल्दी उठने की। और जब मैं ये कैमरा अपने ऊपर कर रहा हूँ तो ये फ्लैश मेरे को लग रही है आँखों में, तो मेरे को नीचे का कुछ नहीं दिख रहा, तो गिरने के चांसेस हो जाएंगे। तो पहले वहाँ पर चलते, फिर आराम से बात करेंगे। हाँ, वो रहा मून, ठीक है, अभी थोड़ी देर में सनराइज़ होएगा, चेक कर लेता हूँ मैं कहाँ से होएगा। और फिर अगर ऐसी जगह से हुआ जहाँ से क्लियर दिख जाए कि माउंटेन के पीछे से नहीं हो रहा, बिल्कुल ही वैली में से हो रहा है, तो फिर तो हम कैप्चर करेंगे, नहीं तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। फिर आज के जो भी प्लान्स हैं वो सारे मैं आपको बताऊँगा, पर थोड़ी रोशनी होने के बाद। एक और चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम शॉन पेडिंग, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट। बहुत सुंदर है सही में, अब लग रहा है नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है। वैसे भी मेरे को पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर ही मिला है। जिस चीज़ की दिक्कत लग रही थी वही हुआ, सनराइज़ वहाँ से हुआ जहाँ से नहीं होना चाहिए था, सनराइज़ हुआ माउंटेन के पीछे से। वहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, वहाँ से तो अब सनराइज़ होएगा तो पूरा का पूरा ही दिखेगा, देखो वहाँ पे हो रहा है और वैली में नहीं हो रहा। अगर यहाँ से होता ना, यहाँ से तो बहुत अच्छा लगता, पर अब क्या कर सकते हैं, हम हैं माउंटेन्स के सेंटर में एक वैली में, तो वो सनराइज़ और सनसेट यहाँ पे अच्छे नहीं होते वैली के अंदर ना, क्योंकि वो माउंटेन के पीछे होते हैं। ठीक है, बाद में एंजॉय करेंगे, आज के लिए बहुत सारा एडवेंचर है, भरपूर एडवेंचर से भरा रहेगा ये वाला व्लॉग, पूरा देखिएगा एंड तक, मज़ा आ जाएगा। ओके, सो ब्रेकफास्ट आ गया अभी। ये क्या है? ये तो वी कॉल इट हियर शॉबरशोंग, वी कॉल हियर शॉबरशोंग फ्रूट। इसको कैसे खाते हैं? इसको तो ऐसा सीधा ही, कुछ नहीं उतारना, कुछ नहीं उतार, डायरेक्ट खाओ, डायरेक्ट खाओ। कितने बजे निकलना है? अभी निकलना कितने बजे? 8:30 ओके, 8:15 निकालना है, 8:15 ठीक है, ये खा के फिर निकलना है। ठीक है, पैकिंग करके ओके। ओके, सो वी आर लीविंग फॉर एडवेंचर। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे कयाक और उसके बाद हम जाएंगे आगे क्लिफ जंपिंग करने। हेलो, दिस साइड ना, फेस दिस साइड, यस। सिट डाउन, सिट डाउन। Done. Okay. You're also sitting.
दिस इज द हिडन जेम जो कि बहुत कम लोगों को पता है। अभी हम जा रहे हैं नेचुरल स्विमिंग पूल में। देखो कितना क्लीन है यहाँ पे पानी। दिस इज अ नेचुरल पूल। गुड। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। हाउ डीप इट इज? Maybe only 6 feet, 7 feet, be like that. 6-7. Yes. Okay. योकी अभी यहाँ से जंप करेगा और मैं यहाँ से उतरूंगा क्योंकि योकी को स्विमिंग आती है, मुझे नहीं आती है। Try to learn like this. Yes, yes, like this. Yes, you can do it. Yes, like this. You can do it. Yes.
दोस्तों आज तो मज़ा आ गया बहुत योगी भाई के साथ। बहुत बहुत मज़ा आया, सबसे ज़्यादा तो नेचर्स पूल में आया। बहुत मज़ा आया नेचुरल पूल। हाँ नेचुरल पूल में तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है। हाँ वहाँ पे कोई नहीं जाता ना। कोई नहीं। वो था आज का हिडन प्लेस, हिडन जेम ऑफ कहाँ गया शॉन पडिंग। क्लिफ जंपिंग करी हमने इस भैया ने तो भाई। योकी हैट्स ऑफ टू यू। योकी ने तो बिना लाइफ जैकेट के इतनी हाइट से जंप लगाया, मजा आ गया देख के। और ड्रोन शॉट्स तो बहुत ही गजब आए हैं, नेक्स्ट लेवल। अभी एक बार चेंज वगैरह कर लेते हैं फिर आगे के प्लान बताता हूँ सारे कैंप में। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट शॉन पेडोंग। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है। पीछे बाइक पे सारा सामान मैंने माउंट कर लिया है, बाकी मेरा हेलमेट वहाँ पे है, जैकेट वहाँ पे। और मैं सोच रहा हूँ आज के इस व्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आपको जिस भी मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का ये जो व्लॉग है ना मैं चाहता हूँ ये शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, जिसमें आपको पूरा हेल्पफुल हो। और मैं योकी का नंबर डाल दूंगा जो कि मेरा यहाँ पे गाइड था, वो जो भी चार्ज करेगा उसका वो बता देगा। मतलब कि नॉर्मल ज़्यादा उसके कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है। और वो वाला जो हर कोई वहाँ पे नहीं लेके जाता, जहाँ मैं नेचुरल पूल में गया था ट्रैक करके, तो वो सिर्फ योकी लेके जा सकता है। तो योकी को कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस व्लॉग को इतने रखते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। व्लॉग का कोई पार्ट अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो तो नीचे कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। बाय बाय।